गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो फाइन, वेरी गुड. सो टुडे आई विल डिस्कस विद यू अबाउट जॉइंट वोवल साउंड्स. एज यू नो, इन द लास्ट असाइनमेंट आई ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट जॉइंट वोवल साउंड्स. सो फर्स्टली टेक योर इंग्लिश बुक and open page number 16. This one. In the last assignment I discussed only half vowels. So today I will again repeat these vowels. So these are joint vowel sounds. Firstly, words with double O sounds. Here, I will again repeat joint vowel sounds, which are starting from double vowels. So here, words with double O sounds. First is R double O T root. Root means किसी भी फ्लावर, किसी प्लांट की जड़, ठीक है. बी डबल ओ टी बूट. एम डबल ओ एन मून. एस डबल ओ एन सून. सून मीन्स जल्दी. आर डबल ओ एम रूम. रूम मीन्स, पता है ना आपको, आपका बेडरूम, क्लासरूम, उसको हम रूम को क्या बोलते हैं, कमरा. एस पी डबल ओ एन स्पून. स्पून मीन्स चम्मच. P double O L pool. Pool means like a swimming pool. ठीक है, यहाँ बहुत सारा एक like बहुत बड़ा एक आपने खड्डा होता है, उसमें पानी भरते हैं नहाने के लिए, उसको हम pool बोलते हैं. ठीक है, C double O L cool. Cool means ठंडा. These are double O sounds vowel. Okay. Next, words with OU sounds. Here, OU vowel sounds. ठीक है, means OU के साथ जो sounds मिलके sounds के साथ मिलके word बनते हैं. ठीक है, S O U T H south. H O U T H south. M O U T H mouth. H O U S E house. M O U S E mouse. O U T out. S T O U T stout. G R U T grout. S P R O U T support. ठीक है, next words with O E sounds means यहां पे आपने देखा है double O रेड वाले हैं, यो वो बिल्कुल ज्वाइंट हैं, साथ साथ में हैं. तो हेयर ओ ई मीन्स होंगे दो ई वॉवल, तो वो दोनों डिफरेंट जगह पे होंगे, लाइक आर ओ एस ई रोज. तुसी नोट कर आप लोग नोट कर सकते हो, आर के बाद ओ है, फिर एस, फिर ई, डिफरेंट है ना, बट हैं ये दोनों एक ही वर्ड में आते हैं, तो ये ज्वाइंट ही हुए. R O S E rose, D O S E dose, N O S E nose, P O S E pose, C O L E coal, M O L E mole, S H O R E shore, S T O N E stone. Words with U E sounds. यहाँ पे U E का use होगा. B L U E blue. T R U E true. U S C use. F U S C fuse. C L U E clue. F L U E flu. M U S C muse. R U U R sorry C R U S C cruise. ठीक है, so this chapter has finished हो चुका है ये. तो दिस इज योर रिविजन असाइनमेंट. ठीक है, आप लोगों ने ये अगेन रिवाइज करना है लेसन नंबर 7,
क्योंकि आपको जो आपके अब एग्ज़ाम होने हैं उसमें ये लेसन है, तो इसमें से कोई भी वर्ड मैम आपको पूछ सकते हैं, तो आपने उसको बताना है, ठीक है। दिस इज़ योर रीजन असाइनमेंट। सो नाउ यू विल रिपीट इट अगेन विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, विद द हेल्प ऑफ योर ब्रदर सिस्टर एनीथिंग। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग मी।